रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए, पहला स्टॉक जो रहेगा वो गेल का रहेगा, गैस अथॉरिटी। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है गेल को यहाँ पे बाय करना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेली वीकली सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है 180 से 183 तक की अपसाइड गेल में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, तो 168 के स्टॉप लॉस से गेल को बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है वो है GMDC का। ये स्टॉक में आज करीब 8% के आसपास की तेजी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और ये 2-3 दिन की गिरावट के बाद वापस से आज जिस तरीके से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है GMDC यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1 से 2 दिन में हमें लगता है ये स्टॉक 225 230 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 207 के स्टॉप लॉस से GMDC पे बाय करने की सलाह रहेगी। और तीसरा स्टॉक हमें ऑटोमोबाइल स्पेस से अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ये फोर्थ वीक कंजिक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, और डेली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो जिस तरीके से सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ऑटोमोबाइल स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड पे बना हुआ है, तो हमें लगता है कि M&M को यहाँ पे बाय करना चाहिए 910-920 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 873 का। ओके, ठीक है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स आपको राजेश सर भी देते हुए, सचिन ने भी आपको शेयर्स दे दिए हैं।